अब हम आते हैं हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, बिकॉज आई थिंक मेरे एक्सपीरियंस में, मेरे जो ऑब्जर्वेशन के अंदर, जहां तक मेरे पास केसेस आते हैं, मैंने देखा सबसे ज्यादा जो कंप्लेंट्स आती है ना, वो इस डिपार्टमेंट में आती है। बहने भाइयों के बारे में कंप्लेंट शायद कम हो, बच्चों की माओं के बारे में या माओं के बच्चों के बारे में शायद कम हो, लेकिन जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है ना, उसमें आपको बहुत कंप्लेंट्स मिलती हैं। या हस्बैंड बीवी से तंग आया हुआ है, या वाइफ जो है वो हस्बैंड से तंग आई हुई है। एक वजह जो मेरी समझ में आई है वो ये है कि हमने शादी या वेडिंग प्लानिंग को जो है ना, हम लोगों ने इंपॉर्टेंस दी हुई है, और मैरिज प्लानिंग को हमने इंपॉर्टेंस नहीं दी हुई। हमारा फोकस ही डिफरेंट है। हम कहते हैं दुल्हन जोड़ा कौन सा पहन रही है, केटरिंग कौन करा रहा है, होटल कौन सा बुक कराया हुआ है, डीजे कौन होगा, खाना कौन सा सर्व होगा, वगैरह वगैरह। ये हमारी इवेंट मैनेजमेंट है ना, तो हम लोग तो इस पे फोकस कर रहे हैं। अच्छा, वो कहां से कपड़े बनवाने हैं, अच्छा मैचिंग गरारा कहां से होगा, लड्डू आएंगे या गुलाब जामुन आएंगे, मतलब ये हमारा फोकस, फूल कहां से आएंगे, दिस इज द फोकस, राइट? बेसिकली इंप्रेशन, आपकी पिक्चर्स ली जाएंगी, वीडियो बनेगी, लोगों को हमने अपना ये इवेंट कैसा दिखाया। बिल्कुल, और आपने देखा होगा कि अभी तो अक्सर इस्लामाबाद के कोनों कोनों में फोटोशूट जो हो रहे होते हैं, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ वीडियो, कोई फिल्म बन रही है, राइट? अच्छा, दूसरी तरफ आप देखो जो मैरिज प्लानिंग है, कि भाई अल्लाह के बंदे, जो हस्बैंड शादी करने जा रहा है, तुझे पता है हस्बैंड के राइट्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है? जो लड़की शादी करने जा रही है, क्या तुझे आइडिया है कि तेरे राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? तो बिकॉज वी डोंट इवन नो, एंड स्पेशली फ्रॉम द इस्लामिक पर्सपेक्टिव, तो हम बिल्कुल ही जीरो हैं। तो चूंकि हमें नहीं पता, हम बड़े कल्चरल तरीके से जी रहे होते हैं, और हम समझते हैं कि जो हमारे ऊपर जो भी कोई रोल मॉडल्स थे, उन्हीं का तरीका हम फॉलो करेंगे, चाहे वो दीन में हो या उससे बाहर हो। तो इसकी वजह से अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन कम्स अबाउट एज सून एज कपल्स गेट मैरिड, एंड दिस इज वेयर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स कम, कि हस्बैंड जो है वो वाइफ को राइट्स नहीं दे रहा, वाइफ जो है वो रिटेलिएट कर रही है, वो रिटेलिएशन हस्बैंड को पसंद नहीं आ रही, वो कहता है जी बीवी मेरी बात नहीं सुनती, वो कहती है मेरा हस्बैंड मेरे पे जुल्म करता है, एंड दैट्स व्हेन प्रॉब्लम्स अकर। एंड द बिगेस्ट जॉय टू इब्लीस इज व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ सेपरेट। तो सबसे बड़ा मसला ही सर यहाँ पड़ा हुआ है। अच्छा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जो अक्सर लिबरल्स को बहुत चुभती है, और वो हदीस क्या है कि औरत को मर्द की पसली से पैदा किया गया, ठीक है? और इससे मर्द और औरत से यहां मुराद जमहूर उलमा के नजदीक आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा है। अच्छा, अब यहां तक तो वो हदीस सुनाते हैं, कहते हैं ये क्या बात हुई, औरत को पसली से पैदा किया गया, आगे तो सुन लो नबी ने क्या फरमाया। आपने फरमाया जो पसली होती है ना वो टेढ़ी होती है। अब इसमें भी इख्तिलाफ है, टेढ़ी उसका मतलब औरत टेढ़ी होती है। अच्छा, और फिर अब आगे सुनो, ओके क्या कहा कि फिर उसके साथ उसका ख्याल करना, क्योंकि अगर तुम उसको सीधा करने की कोशिश करोगे वो टूट जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि औरतों ना छेड़ मलंगा नो, ठीक है ना, हद से ज्यादा, हद से ज्यादा, मतलब हाँ, कि आप उनको देखो एक एक चीज बताया जा रहा है कि वो एक जिस, और देखो जो पसली है ना, अगर वो पसली आपकी टेढ़ी ना हो, क्या वो फंक्शन करेगी, अपना रोल प्ले करेगी? नहीं करेगी। बात किया पसली, पसली किस चीज को प्रोटेक्ट कर रही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके लंग्स को, आपके हार्ट को, इंपॉर्टेंट चीज को। तो द पसली इज प्रोटेक्टिंग द हार्ट एंड द लंग्स विच आर वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अल्लाह सुभान ताला ने अगर औरत को पैदा किया है तो वो इंसान को सबसे ज्यादा उस चीज को प्रोटेक्ट कर रही है जो उसके लिए सबसे वैल्यूएबल होती है। और ये कहा गया कि इसको जो है ना, यानी टेढ़ा करने, यानी उसको सीधा करने की कोशिश ना करना बहुत उस तरीके के साथ, ज्यादा जोर जबरदस्ती के साथ, फिर क्या होगा, वो टूट जाएगी। यानी इस पूरी हदीस का मतलब ये है कि औरतों की अहमियत क्या है, औरतें तुम्हारे लिए कितनी जरूरी है, हाउ मच डिपेंडेंट यू आर ऑन वुमेन फॉर योर लाइफ, फॉर योर प्रोटेक्शन यू नीड वुमेन, फॉर योर सैनिटी यू नीड वुमेन, राइट? और फिर साथ साथ बताया गया कि उसको जिस तरह वो है आराम से, प्यार से लेके चलना, प्यार से, क्योंकि मर्दों के अंदर एक नेचुरल एबिलिटी होती है अग्रेशन की, वायलेंस की, जो भी है, तो उसके साथ ये हमारा मामला मत करना। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा करोगे वो टूट जाएगी। सो तोड़ना नहीं औरत को, औरत को तोड़ना नहीं। हंड्रेड्स ऑफ हदीस हैं, बल्कि वो हदीस है ना कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अखलाक का सबसे अच्छा है, यू नो, और उन अखलाक वालों में से भी बेहतरीन लोग वो हैं जो अपनी वाइफ्स के साथ अच्छे हैं। ये इसके साथ जो है ना, वो ये जो मीडिया है ना, उसने भी ऑन टॉप ऑफ दैट जी जी खूब खराबी पैदा की है। ये जो ड्रामे, पता नहीं सास भी कभी बहू थी और पता नहीं क्या क्या ड्रामा हो गया, बहुत नए आ गए, वो बहुत नए आ गए, मौलवी ठहरे थोड़े से, मौलवियों को क्या पता। इन ड्रामों ने बहुत दिमाग खराब किया हुआ है। आई मीन, आपको क्या लगता है मीडिया जो आप देखते हैं उसका आप असर नहीं होता? हमारे बेड़ा गर्क होने की, यानी फैमिली सिस्टम के टूटने की एक बहुत बड़ी वजह, आपने बिल्कुल सही कहा, ये ड्रामों का गंद है। और उसके अलावा फिर ये जो बॉलीवुड कल्चर आ गया जिसने लव को ऐसा बना दिया कि लव सारा ना शादी से पहले होता है, शादी के बाद तो सनाटा.com होता है ना, सनाटा, यानी उसके बाद क्या है, कुछ भी नहीं है, बस आपको यानी प्यार हुआ, शक्ल देखी बड़ी खूबसूरत थी, लड़का बड़ा हैंडसम था, बस जी बस वो दिल खिले, फूल फूल निकले और बादल आए और रेनबोज आए और बनी रैबिट छलांगे लगा रहे थे, राइट? और फिर सारे मिलकर सिंक्रोनाइज डांस कर रहे थे, सबके स्टेप्स मैच कर रहे थे, बड़ी जबरदस्त मेहंदी का फंक्शन हो गया, शादी होगी और खुदा हाफिज। उसके बाद क्या हुआ,
असल जो चीज है वो तो स्टार्ट ही निकाह के बाद होती है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कोई नहीं करता। अच्छा वहाँ पे जो जिन मूवीज में वो जहाँ पे आदित्य यही एंड हो जाती है ना, जस्ट मैरिड और गाड़ी निकल जाती है खत्म होगी, जो उसके बाद चलती है ना कि और मूवी भी तो नहीं चलानी है, उसके बाद सिर्फ शादी की प्रॉब्लम दिखाते हैं, सिर्फ इतनी प्रॉब्लम दिखाते हैं और इवेंचुअली दिखाते हैं कि वो शादी टूट के ना वो लड़के को या तो किसी और लड़की से प्यार हो जाता है या लड़की को और बंदा पसंद है और वो खत्म हो। अपनी सारी फीड इनसे ले रहे हैं ना, ठीक है, अगर हम फीड कुरान और हदीस से ले रहे होते हैं, यू नो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका से ले यार। बाकी मैं आपने सही बात की, देखिए अगर हम लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिलेशनशिप पढ़ा होता सईदा आयशा के साथ, हमने उनका रिलेशनशिप ये पढ़ा होता कि उनका हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ क्या रिलेशनशिप था, और हमने ये उनको वाकई में पढ़ा होता जिनके मोहब्बत के हम दावे करते हैं, अगर हमने उनका रिलेशनशिप पढ़ा होता कि वो कैसे थे अपनी बीवी के साथ, वो कैसे डील करते थे, आई मीन सुबहानअल्लाह, आई कैन गारंटी यू, यू रीड द रिलेशनशिप ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विद आयशा एंड यू विल से इट्स द बेस्ट लव स्टोरी इन द यूनिवर्स, बिकॉज इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतना केयर, इतनी अफेक्शन, इतना लव, छोटे छोटे जेस्टर्स में इतना प्यार था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। जब भी वो हदीस मेंशन करे ना, जब साहबा ने पूछा कि आपको सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है, तो वो साहबा एक्सपेक्ट कर रहे थे या बल्कि उनके सवाल में शायद इम्प्लिसिट था कि किसी मर्द के बारे में बात होगी, जवाब आएगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आयशा, और फिर इतना मोहब्बत थी, इतना एसोसिएशन का लेवल देखें, पूछा उसके बाद तो द आंसर एक्चुअली वाज इन अ वे दैट इट शोड फर्दर एसोसिएशन विद आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, अबू आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। आप ने सोचे कोई आज का मर्द किसी अपने दोस्तों की गैदरिंग में कह सकता है कि मैं अपनी बीवी से ज्यादा मोहब्बत है? अब तो यहाँ पे अगर इसको जनरली होगी भी ना, नाम लेके बीवी का नाम लेके, यानी ये भी नहीं कि ना वो बेगम से बहुत प्यार है, ऐसे नहीं, नाम लेके कहे कि उससे ओपनली क्लियरली कहे मुझे प्यार है, खत्म हो गया, बहुत सीरियस बात है वैसे, ये मुश्किल है लेकिन गर्लफ्रेंड का कहना आसान है। हाँ एग्जैक्टली, वो बल्कि प्राउड, वो अब समथिंग टू बी प्राउड ऑफ एक्चुअली, दिस इज सो, थिंग्स हैव गॉन सो रॉन्ग एक्चुअली, कि जो चीज शर्मिंदगी और उसका बाइस होना चाहिए था वो प्राउडनेस का बाइस बन गया कि जी आई हैव अचीव समथिंग, सो वी आर नॉट फॉलोइंग। छोटे छोटे जेस्चर्स थे, जब आप सल्लम कुछ पानी या कोई दूध वगैरह पीते थे ना, तो सबसे पहले सईद आयशा को ऑफर करते थे, यानी कुछ चीज पीनी है ना तो उनको पहले ऑफर करते थे कि आप पिए, तो वो वहां से पीती, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते कि उन्होंने कहां से पिया और जहां से उन्होंने पिया होता था एग्जैक्टली वहीं से पीते थे, और ये हदीस सईदा आयशा खुद नरेट कर रही हैं, और सोचे कितनी खुशी से नरेट करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे एक एक जेस्चर को नोट करते थे कि मैं किस तरह, तो सोचे कि उनका कितनी उनको मोहब्बत होगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और आप सल्लम को उनसे कितनी ज्यादा होगी, और इस तरह की बेशुमार हदीस हैं जो मैं आपके सामने बयान कर सकता हूं कि जो आपका रिलेशनशिप था, आप सईद आयशा के साथ रेस भी लगाया करते थे, सहाबा के साथ कभी अगर किसी जो ना कैंपेन पे जा रहे हैं, किसी एक्सपेडिशन पे जा रहे हैं, तो सहाबा से कहा आप लोग आगे निकल जाए, अब सहाबा आगे चले गए, पीछे आप कोई भी नहीं है, तो अब आप आयशा जो ना सईद आयशा से ये बात इरशाद फरमा रहे हैं कि आयशा आओ हम रेस लगाते हैं, यानी आज लोग जो है ना वो अपनी बीवी से भाग रहे होते हैं, नबी करीम सल्लम अपनी बीवी के साथ भागा करते थे, दौड़ लगा करते थे, और एक हेल्दी कॉम्पिटिशन था, सो आई थिंक हम लोगों ने ना समवेयर वी मिस्ड आउट, यू नो हम लोगों ने ये फेक बॉलीवुड और ये जो हमारे ड्रामों का प्यार है ना, ये दो नंबर किस्म का जो हराम रिलेशनशिप है, इसको हमने बहुत ग्लोरीफाई कर दिया, और जो असल प्यार और मोहब्बत शादी के बाद होना चाहिए और जो केमिस्ट्री हस्बैंड वाइफ में होनी चाहिए, वो हमने कहीं ना वी हैव लॉस्ट इट समवेयर। यही चीज जो है ना वो मैरिज को बेसिकली सस्टेन किए रखती है, आप देखें ये बरका जो है ना वो एक अल्लाह की तरफ से आई है, रिलेशनशिप में नहीं होती, ये सिर्फ निकाह के बाद ही होती है, दिस थिंग इज मिसिंग आउट ऑन ऑल अदर रिलेशनशिप। अच्छा एक सवाल है, अब वो सवाल ये है कि बहुत से हस्बैंड्स हमारे माशरे में ऐसे होते हैं जो कि अपनी राइट्स तो सारी ले रहे होते हैं लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं कर रहे होते, तो उस केस में आप लोग क्या एडवाइस करेंगे उन खवातीन को जो कि एक ऐसे रिलेशनशिप में है जहां पे उनका हस्बैंड जो है वो बहुत ज्यादा मे बी अग्रेसिव है, मे बी बहुत अब्यूसिव है, मे बी वो कोई ऐसे काम कर रहा है जो कि बिल्कुल हराम है, या कोई ऐसी हरकतें कर रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा इनअप्रोप्रिएट है, और उस औरत का जान या उसकी माल या उसकी इज्जत आबरू जो है वो खतरे में है, जिनको हम मकासद शरिया कहते हैं, उनमें से कोई ना कोई चीजें जो है वो खतरे में है, तो ऐसी औरत जो है उसके लिए, क्योंकि ऐसी खवातीन हैं, हम लोग डिनाई नहीं करते और ना हमें करना चाहिए कि जो रियलिटी है जो हमारे यहाँ पे ऐसी बातें हो रही हैं हमें डिनाई नहीं करना चाहिए, तो अगर कहीं पे ऐसा हो रहा है कि हस्बैंड जो है उसको नहीं पता सर पैर के भाई क्या करना है क्या नहीं करना और वो अपनी तरफ से लगा हुआ है, तो ऐसी खवातीन को हम क्या एडवाइस करेंगे? उलमा तो ज्यादा यही कहते हैं कि अगर खास तौर पे कुछ जो मकासद शरिया है ना वो कंप्रोमाइज हो रहे हैं तो फिर ऐसी खातून को अलग हो जाना चाहिए। सही, वो देखा जा सकता है कि वो जो आप चीजें बता रहे हैं कि वो किस एक्सटेंट की है, सही, या तो अगर किसी तीसरे बंदे को बीच में लाके वो रिजॉल्व हो सकते हैं इशू, तो वो दैट शुड बी द फर्स्ट थिंग, ओके, डाइवर्स जो है वो ओके, सो फर्स्ट थिंग आपने ये बताया कि किसी को इन्वॉल्व कर लें, लाइक फॉर एग्जांपल रीचिंग आउट टू समवन विद इन द फैमिली।